कैसी तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं, आप बताइए। अयोध्या में तो सब साधुओं के मन में बहुत उमंगें चल रही हैं, बहुत भव्य तैयारी चल रही है। सबकी आस है कि भगवान राम हमारे मंदिर में आ रहे हैं, अपने मकान में आ रहे हैं। बहुत सालों से टाट में रहे आए, बहुत खुशी का विषय है। सब दूर दूर से भगत लोग भी सब तैयारियां कर रहे हैं, जन जन में संदेशी भेज रहे हैं और बहुत भव्य स्वागत अयोध्या में राम जी का होगा। महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो और साधु संत आएंगे, बाहर से जो आएंगे अयोध्या में, सब इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। कौन है जो नहीं चाहेगा? ऐसे में उनके सात्विक भोजन को लेकर भी खूब तैयारियां की जा रही हैं। हम ये जो इंतज़ाम है उनके लिए किए जा रहे हैं। होटल में नहीं रुकते हैं साधु संत, कहा गया कि इसलिए उनके लिए घरों में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप क्या हमें बताएंगे इस बात? देखिए, हमारी अयोध्या में हर प्रकार के पूर्ण कार्य चले हैं। जो भी अतिथि आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था हो रही है और जोरों पर चल रहा है काम, और अच्छे से होगी, पूर्ण व्यवस्थाएं होगी, भोजन पानी की व्यवस्था होगी अच्छे से। कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती किसी के लिए। ये हमारा मतलब हिंदुत्व का रूप, भव्य रूप है ये, जो आज हो रहा है 2024 में जाएगा। हम लोगों की आत्मा को इतना आनंद आ रहा है, मिल रहा है, हर जीव के, हिंदू के, भारतवर्ष में उत्साह है। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को चाहता है, राम नगरी आने को जी चाहता है। राम के अस्तित्व पर भी जब लोग सवाल उठाया करते थे तो ऐसे लोगों को साधु संतों ने बहुत जवाब दिए, उन्हें बताया। आज क्या आपको लगता है कि वो सभी लोग खामोश हो गए? देखिए, राम के सब होते हैं। पहले तो हम मंत्र कुछ परमात्मा का बोलना चाहते हैं। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। ये अयोध्या एक आस्था का केंद्र है। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको देश विदेश सुन करके एक आंखों में, नेत्रों में आंसू है राम की प्रति, कि मेरे वो राम जो टेंट में रहते थे, आज टेंट में राम को नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि राम त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, प्राण आधार मेरे प्रभु राम हैं, और राम को टेंट में रहना पड़ता था। आज वो दिन आ गया है कि मेरे राम का गर्भ गृह बन रहा है और राम अपने स्थान में विराजमान होंगे। इसको लेकर के संत समाज और श्रद्धालु बहुत मगन है, अनुराग है, प्रेम है, और 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। और राम सब जगह व्याप्त हैं। सरजू में राम दिखाई दे रहे हैं, कड़ों में राम दिखाई दे रहे हैं, साधु संतों में राम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जाइए वहाँ राम दिखाई दे रहे हैं। तो ये राम की जो कृपा इस वक्त हम पूरे अयोध्या पर देख रहे हैं, जो छटा देख रहे हैं, और जो महाराज जी जिस भजन का जिक्र कर रहे थे, एक बार वही भजन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। रघो जी तो राघवुआ बड़ा लिख लागे, राघो जी तो राघवुआ बड़ा लिख लागे, लेकिन माँ सरयू जी की गोद में हम सभी बैठे हैं और माँ सरयू जी की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण जी में कहते हैं, श्री रामचरित मानस में कहते हैं कि दरस परस मज्जन अरुपाना हर ही पाप कह वेद पुराना। अरे सरजू की महिमा महान जी बहती अमृत धारा, सरजू की महिमा महान जी बहती अमृत धारा, सरजू की महिमा महान जी बहती अमृत धारा। अमृत धारा जी अविरल धारा, अमृत धारा जी अविरल धारा, सरजू की महिमा महान जी
बाहती हमारी।